हेलो एवरीवन, आज जिस बुक की समरी हम करने वाले हैं उसका नाम है ईगो इज द एनिमी। इसके जो ऑथर हैं वो हैं रायन हॉलिडे। इस वीडियो को हमने तीन पार्ट में बनाया है और यह वीडियो का पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। यह बुक ईगो को कंट्रोल करने के लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। दोस्तों, ज़िंदगी में हम जो भी गोल बनाते हैं या जो भी रास्ता चुनते हैं, हमारा ईगो हमें हमेशा कमज़ोर बनाने की ताकत रखता है और वह हमें नीचे गिरा सकता है। इस बुक में हम जानेंगे कि कैसे यह बुक हमारी मदद करेगी हम्बल रहने में, उदार बनने में और लचीला बनने में। जब हम सक्सेसफुल हों या फेलियर हों, तब भी हम काम करते रहें। पहला जो पार्ट है वो है एस्पायर, और एस्पायर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है टॉक टॉक टॉक। कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर हम उसके बारे में सिर्फ बात करते रहें और उस पर कोई एक्ट ना करें, तो यह काम पूरे होने की संभावना बहुत कम होती है। हमारी आदत होती है शो ऑफ करने की और काम के बारे में बात करने की, जबकि हमें उस काम के ऊपर कोई एफर्ट या एक्ट नहीं करते। हमें अपनाना चाहिए साइलेंट। साइलेंस बहुत ही पावरफुल है। जब हम कोई भी काम साइलेंस में करते हैं तो उसके पूरे होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि हम उस पर एक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट भी यही कहता है, अगर आप किसी काम के बारे में पूरे होने से पहले उसके बारे में बात करते हैं तो उसके काम के पूरे होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। आइए उदाहरण से समझते हैं। कैलिफोर्निया में गवर्नर के इलेक्शन चल रहे थे, उसमें अपटन सिंक्लेयर ने भी पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने एक बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ की। उन्होंने कैंपिंग के शुरुआत में ही आई गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया एंड हाउ आई एंडेड पॉवर्टी के नाम से बुक पब्लिश की। बुक तो बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन वो 2.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए, क्योंकि अब जो भी बातें उन्होंने बुक में लिखी थी, उन्होंने उन्हें लगने लगा था कि उन्होंने सब कुछ काम कर लिया हो। इससे उनकी पार्टिसिपेट करने की चाह कम हो गई और उनके अपोजिशन को बहुत हेल्प मिली, क्योंकि उनकी सारी स्ट्रेटजीज उनको पहले ही समझ आ गई थी, उनको पता चल गया था और उनको चुनाव में हारना पड़ा। दोस्तों, हमें लेसन मिलता है कि हमें किसी भी काम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें काम पर एक्ट करना चाहिए, उसमें एफर्ट लगाना चाहिए। सेकंड चैप्टर है टू बी और टू डू। दोस्तों, लाइफ में आपका पर्पस सबसे बड़ा होना चाहिए, आपकी ईगो से भी बड़ा होना चाहिए। जब कोई काम आप अपने दिल से करते हैं, बिना किसी स्वार्थ भावना के साथ करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई काम फेमस होने के लिए कर रहे हैं तो आप उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना आप वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप वो चाहते हैं, क्योंकि आप वो दिल से काम कर रहे हैं। लोगों की लाइफ में अगर इसलिए हम वैल्यू देना चाहते हैं लोगों की लाइफ में बिना किसी स्वार्थ भावना के, तो हमें वो काम करना चाहिए। हमें रियल होना चाहिए और बिना किसी ईगो के साथ हमें खुद के साथ रियल होकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है बिकम अ स्टूडेंट। दोस्तों, स्टूडेंट कौन होता है? स्टूडेंट वो होता है जो हमेशा सीखता रहता है। आपको आपके काम के बारे में असली फीडबैक वही लोग दे सकते हैं जो आपसे ज़्यादा बेटर हैं। अगर आप खुद को हमेशा बेटर मानेंगे तो आप काम को अच्छा नहीं बना पाएंगे। उदाहरण से समझते हैं। कर्क हैमिट एक गिटारिस्ट थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में मेटालिक बैंड ज्वाइन कर लिया था, जिससे वह फेमस हो गए थे और एक अच्छे गिटारिस्ट भी माने जाते थे। लेकिन वो हम्बल थे। उनको यह लगता था कि उन्हें और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है और उन्होंने एक टीचर को ढूंढा। वो टीचर थे जो सेट्रियानी। जो सेट्रियानी एक गिटारिस्ट थे और उनकी स्टाइल कर्क की स्टाइल से बहुत ज़्यादा अलग थी। कर्क उनके पास गए क्योंकि उन्हें ये लगा कि उन्हें कुछ अच्छा सीखना है, उन्हें कुछ अलग सीखना है, और जिससे कि वो अपनी स्किल को बढ़ा पाए। कर्क को जो ने कर्क को समझा और उनको कई सारी बातें सिखाई, कई सारी नई चीज़ें सिखाई। वह सीखे क्योंकि वो सीखना चाहते थे और उन्होंने सीखते सीखते दुनिया के सबसे महान गिटारिस्ट में से एक बने। जब टीचर सीखना चाहते हैं, जब स्टूडेंट सीखना चाहते हैं तो टीचर आपको मिलते हैं, आप ढूंढते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और मेहनत करते हैं तो आप कुछ सीखते हैं और
आपको टीचर भी मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है डोंट बी पैशनेट। आपको पैशन की ज़रूरत नहीं है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है पैशन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। अगर आप लाइफ में आपके पास पर्पस है और आपको क्लैरिटी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप वो काम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और आप अच्छा काम करते रहेंगे। जो पैशन है वो आप एमेच्योर लोगों के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको वही काम करना चाहिए जो काम आपके लिए करना ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर है फॉलो द कैनवास स्ट्रेटजी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप चापलूस बन जाएं और लोगों को अच्छा दिखाएं। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करें जिससे कि वह अच्छे बने। जब आप दूसरे लोगों के लिए रास्ता साफ करते हैं, दूसरे लोगों के लिए रास्ता बनाते हैं, तो आप अपने लिए भी रास्ता बना लेते हैं। क्योंकि जब हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं तो हमें हमारे रास्ते भी अपने आप दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रिस्ट्रेन योर सेल्फ। ये चैप्टर हम समझेंगे जैकी रॉबिसन के एग्जाम्पल से। रेस्ट्रेन योर सेल्फ का मतलब है खुद को रोकना, खुद को ऐसे काम करने से रोकना जो आपसे ईगो करवाना चाहता है। जैकी रॉबिनसन अमेरिका के पहले ब्लैक बेसबॉल प्लेयर बने और उसके लिए उन्होंने कई सारी चीज़ें ऐसी सहन करी जो नहीं करना चाहते थे, परंतु उनका गोल बड़ा था, उनको बहुत पर्पस था बहुत बड़ा, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सही और खुद को रोका वो काम करने के लिए जो उनसे ईगो करवाना चाहता था। जब आपका गोल बहुत बड़ा होता है तब आपको ऐसे कई सारे काम जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपसे ईगो करवाना चाहता है, उनको इग्नोर करना पड़ता है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और काम कर सकें। जैकी रॉबिनसन हमेशा अपनी लाइफ में हम्बल बने रहे बेसबॉल प्लेयर बनने के बाद, और उन्होंने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, अपनी इमेजिनेशन में अपने आप को कहाँ देखते हैं और हमें वहाँ हमें हमें कैसे रियल वर्ल्ड में देखना चाहिए। अगर हम वो नहीं देखते हैं तो ये हमारी प्रोग्रेस को रोक सकता है। खुद की इमेजिनेशन हमें रियल वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करने से रोकती है। क्लैरिटी से रहना, प्रेजेंट में रहना एक बहुत साहस की बात होती है। अगर हम रियल वर्ल्ड में हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना देते हैं और उसमें हमें ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इससे हमारे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हमारी लाइफ भी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नेक्स्ट चैप्टर है डेंजर ऑफ अर्ली प्राइड। खुद पर घमंड होना एक झूठ है। जब हम खुद को दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छा समझते हैं, खुद को बहुत बेटर मानते हैं, तब हम एक झूठ में फंस जाते हैं जो घमंड हमें लोगों और इंसानियत से दूर करता है। हमें ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिससे हम लोगों से कनेक्ट हो सके। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन जब थोड़ी बहुत जॉब करने के बाद, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद अपने शहर वापस गए, तब उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था लेकिन वो शो ऑफ कर रहे थे अपने आसपास के लोगों के साथ। जब उनके शहर में एक बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति थे, वो उनके साथ वॉक कर रहे थे, तब उस व्यक्ति ने बेंजामिन को बोला कि आप सामने देखकर चलिए, परंतु बेंजामिन ने अपना सिर नहीं झुकाया और अपना सिर सीलिंग में से उनका सिर सीलिंग से टकरा गया। तब उन्होंने बोला कि तुम्हारा सिर तो टकराना ही था क्योंकि तुम हमेशा ऊंचा सिर करके चलते हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन को समझ आया कि उनमें घमंड आ चुका था। उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदगी भर घमंड से फाइट करी। नेक्स्ट चैप्टर है वर्क वर्क वर्क। किसी काम का आइडिया होना काफ़ी नहीं होता, आपको उस काम को मेहनत करके उसके ऊपर काम करके अच्छा बनाना होता है। हेनरी फोर्ड ने एक कोट कहा था कि आप अपनी रेपुटेशन इस बात पर बिल्ड नहीं कर सकते कि आप कुछ फ्यूचर में काम करने वाले हैं, क्योंकि आपको एक्ट करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी रेपुटेशन बना सकते हैं। काम करना एक एंड जोन है, नो एंड जोन है। यहाँ पर काम की कोई सीमा नहीं है, आपको हमेशा काम करना करते रहना पड़ेगा, आपको हमेशा काम सीखते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है फॉर एवरी थिंग दैट कम्स नेक्स्ट ईगो इज द एनिमी। जब कोई काम शुरू करते हैं तब आपका काम बहुत अच्छा नहीं होता,
और आपने काम को देखने के लिए आप कहाँ गलत हैं, आपका काम बुरा है, यह देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। जब आप यह काम देख लेते हैं तब आपको यह देखना होता है कि आप अच्छे कहाँ हैं और कहाँ गलत हैं, कहाँ आपसे कुछ छूट रहा है। जब आप यह देख लेते हैं आपके काम में और अच्छा बनने और उसको पूरा करने के लिए आपको गैप जो है को अपने बीच से हटाना पड़ता है। जब आप ईगो को हटाकर वह काम करते हैं आप एक पॉजिटिव हैबिट बिल्ड करते हैं जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है, क्योंकि आपके सामने फ्यूचर में क्या आने वाला है, किस तरीके की प्रॉब्लम आपके आने वाली है वो आपको नहीं पता है। और आपको आप जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे ईगो हमेशा आपका दुश्मन रहेगा, ईगो हमेशा आपके सामने रहेगा। सो दोस्तों ये था ईगो इज द एनिमी का फर्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।